शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। रुक्मी, तुम रो मत, प्लीज चुप हो जाओ। रसाल को फोन करना आशु। हाँ बाबा, मैं कर रहा हूँ, तुम बैठो तो सही। पता नहीं तुम्हें इस हाल में देख के वो क्या सोचेगी, इसलिए कह रहा था कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ। रणवीर, तुम यहाँ? मुझे अपने घर में देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है, लेकिन मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। वैसे भी इस औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। दीप भाईसा ने ठीक ही कहा था कि रुक्मी अपने बचपन के प्रेमी यश के साथ ही खुश रहेंगी। रणवीर, मेरी बात सुने बिना? मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने नहीं आया हूँ मिस्टर यश, और वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। पहले मेरी बात सुनोगे? मैं सिर्फ अपनी बात कहने आया हूं तुम दोनों को, और खास करके इस रुक्मी से, जिसने अपनी लाज शर्म तो ताक पर रखी थी लेकिन अपनी बहन को भी नहीं बख्शना चाहती है, वो बहन जो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठाकुर साहब। हाँ रुक्मी, तुम्हारी वजह से रसाल हमारे शादीशुदा जीवन और हमारे होने वाले बच्चे को भी कुर्बान करने पर तुली हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? इतनी सी भी इंसानियत बाकी है या नहीं तुम्हें? अरे तुम इस यश के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी ना, यही लिख के भेजा था ना तुमने अपने हाथ से लिखे चिट्ठी में। अरे अब क्यों पड़ी हो रसाल के पीछे? अब तो चैन से जीने दो ना हमें। रणवीर, अब तुम बहुत बोल चुके हो। अभी तो मैंने शुरुआत की है डॉक्टर यश, अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है। इस बेशरम औरत के साथ मिलकर तुमने मेरे साथ कितना घिनौना खेल खेला है ये तो साबित हो ही चुका है, इसलिए तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अगर ये खुदकुश औरत यहां नहीं होती ना तो तुम्हारे घर में कभी कदम भी नहीं रखता मैं। और तुम, जब तुम्हें इस आदमी के साथ जाना ही था तो क्यों तुमने मेरी और रसाल की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की? क्यों? मैंने तो खुद तुम्हें इस आदमी के साथ चले जाने के लिए कहा था, पोस दिया था तुम्हारी मांग से अपने नाम का सिंदूर, जिसका वास्ता देकर तुम हमेशा ड्रामा करती रहती थी। तो फिर क्यों वापस आ गए तुम रसाल का सहारा लेकर हवेली में? क्यों आए वापस? ताकि ये रेप का ड्रामा कर सको? मेरे नशे का फायदा उठाकर ये रेप का ड्रामा क्यों किया तुमने रुक्मी? क्यों किया? ताकि ये रेप का क्लिप सामने लाकर तुम मेरी और रसाल की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर सको, इसलिए आई थी ना तुम वापस हवेली में। रणवीर, क्यों बुरा लग रहा है ये सब सुनकर? ये सुनकर कि इस औरत से तुम शादी करना चाह रहे हो कि वो एक चरित्रहीन औरत? रणवीर, अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। सुनना पड़ेगा यश, सुनना पड़ेगा। दीप भाईसा से पैसे लेते वक्त तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, अब सच्चाई सुनते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया तुमने। मैंने दीप से कोई पैसे नहीं लिए थे। अच्छा, तो दीप भाईसा का दिया हुआ चेक तुम्हारे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो गया? पैसे तो मैं भी तुम्हारे अकाउंट में डाल सकता हूँ। अरे जितने पैसे तुम्हें चाहिए थे ना, एक बार मुझसे मांग लिया होता, डाल देता तुम्हारे अकाउंट में। पूछो इससे, नहीं कहा था मैंने इसे? जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ तुम। एक डॉक्टर हो गए, एक बच्चे की जान लेते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें डॉक्टर नहीं, कसाई होना चाहिए था, कसाई। पता नहीं किसने तुम्हें डॉक्टरी का लाइसेंस दे दिया। बस करो ठाकुर साहब। किसी के भी बहकावे में आकर दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की शक्ति भी ना खो दो। मैं आपके और रसाल के जीवन में कभी ना आना चाहूंगा ठाकुर साहब।
रिश्तों की मर्यादा निभाने वास्ते मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, उसके बदले में मैं आपसे कुछ भी ना चाहूं। हमारे बचपन के दोस्त को इतना जलील ना करो, जो अपनी दोस्ती निभाने वास्ते उस गुनाह को भी अपने सर लेने को तैयार है जो उसने कभी किया ही ना है। हमारे बचपन के दोस्त का इतना अपमान ना करो ठाकुर साहब, बस तुम्हारी इतनी अर्जी सुन लो। मैं यहाँ तुम्हारी कोई अर्जी सुनने नहीं आया हूँ रुक्मिणी। आज जो मैं यहाँ कहने आया हूँ वो तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम दोनों हवेली के पास नजर नहीं आओगे और ना ही रसाल के पास, और ना ही तुम उसे फोन करोगे, समझे तुम? और अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम दोनों का वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ना आएंगे रसाल के करीब, बस मारी एक आखिरी बात सुन लो ठाकुर साहब, जिसका जानना आपके वास्ते बहुत जरूरी है, वरना आपके और रसाल के जीवन में कभी खुशियां ना आ पाएगी। हमारी खुशियों पर नजर लगाना चाहती हो तुम? हम क्यों दे रही हो मुझे? अरे तुम्हारे जो जी में आए करो। ठाकुर साहब आप हमारी बात सुनिए, ठाकुर साहब पता नहीं कब रुक्मी समझ पाएगी कि रणवीर की सोचने की शक्ति भी दीप सिंह ने छीन ली है। बस करो रुक्मी, हमारे परिवार को बिखेरने के लिए अब भी कुछ बचा है तुम्हारे पास कहने के लिए? ठाकुर साहब एक बार हमारी बात तो सुनो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा ना तुमसे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। इसका ना मुझ पर कोई असर होने वाला है और ना आज के बाद रसाल पर। मैं जानू हूं ठाकुर साहब कि आप हमारे से घड़ी नफरत करो, पर मैंने सिर्फ प्रेम किया है आपके परिवार से, अपनी रसाल से, आपसे ठाकुर साहब। प्रेम करने वाला मिट जावे, पर अपने प्रेम पर कोई आंच ना आने देवे, उसे कभी तकलीफ ना देवे ठाकुर साहब। आज के बाद मैं आपके और रसाल के बीच आना तो दूर, कभी आपको अपनी शक्ल भी ना दिखाऊंगी, पर जाने से पहले मारे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, पर आज मैं आपको वो सच्चाई बताकर ही रहूंगी ठाकुर साहब। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है। ठाकुर साहब मेरी बात तो सुनो, दीप सिंह ने हमारी को बंदी बना रखा था क्योंकि मैंने आपके पिता के हाथों बनाई वो फाइल हवेली में माता की मूर्ति के नीचे छिपा रखी है। आप घर जाते ही उस फाइल को जरूर पढ़ना ठाकुर साहब, आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपके पिता की मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ है। यही सच्चाई है ठाकुर साहब, दीप सिंह ने आपके पिता को मरवाया है होली वाले दिन। अरे बंद करो अपनी बकवास रुक्मी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? पहले भी इसी इल्जाम के लिए पूरे परिवार के सामने झूठी साबित हो चुकी हो तुम। झूठी ना थी ठाकुर साहब, मारे को मजबूर करके झूठी साबित किया गया था। आपको यकीन ना आ रहा है ना, आप हवेली जाकर वो फाइल जरूर देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा ठाकुर साहब। आप हमारे वास्ते ना से स्वर्गवासी पिता के वास्ते वो फाइल जरूर देखता ठाकुर साहब। मुझ पर तुम्हारी अब किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है रुपये, समझी तुम? हवेली में आ गई तो, और तू तो जाने है भांजे कि रुक्मी की हर बात रसाल के वास्ते पत्थर की लकीर हो गए, और यदि रणवीर ने रसाल के दबाव में आके रुक्मी की बात मान ली तो? अगर रुक्मी इस हवेली में पहुंचेगी तब ना, रुक्मी इस हवेली में ना घुस पाएगी,
और रही रसाल की बात, तो मैंने कमल के दिमाग में उसके बारे में इतनी सारी चीजें भर दी हैं कि बस रसाल को आने दो, फिर देखना तमाशा। आप ग्रेट हो। अरे ग्रेट ही नहीं भांजे, सुपर ग्रेट, सुपर ग्रेट। इसी बात पे भांजे चोटो चोटो चलो ओ? खबरदार, जो तुमने शराब को हाथ भी लगाया है तो पता नहीं नशे में के बक दोगे तुम दोनों। जे रसाल ने अगर ये कहा कि उसने तुम दोनों को कहीं देखा है तो मैं उसे तुरंत झुटला दूंगी, कहूंगी कि तुम दोनों तो सुबह से कमरे में बैठकर ऑफिस का काम कर रहे हैं। मैं जाके देखूं वो रसाल के बोले, मैं कमल के साथ ही रहूंगी, समझे? समझियो। रसाल, तूने मारे से कहा था कि तू मंदिर में परिक्रमा करने जा रही है, फिर कटे गायब हो गई थी। अरे अपनी बहन रुक्मी से मिलने का इतना ही शौक था तो भगवान के नाम पे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तने फिर से रुक्मी वास्ते मारे से झूठ बोलियो ना। मंदिर जाने के बहाने उससे मिलने गई थी ना। अरे थारे को रणबीर और अपने होने वाले बच्चे की भी फिक्र ना है। इसे कहीं होने लगी रणबीर की फिक्र? ये तो रणबीर को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, वो इस पे जान जो निछावर करता है। मैं थारे से आखिरी बार बोलूंगा, थारी जिद की वजह से अगर मारे छोरे या मारे होने वाले वंश को कोई ठेस पहुंची ना, तो मारे से बुरा थारे वास्ते कोई ना होगा। और याद रख, मैं तने कभी माफ ना करूंगी। कठे थी तू, अरे मैंने कुछ पूछियो है थारे से? वो मासा, हरे को समझ में ना आ रही है कि मैं के बोलूं। मैं तो आपसे शिकायत करने वाली थी कि ताईसा हमारे को मंदिर में छोड़कर चली आई। मासा, मैं मंदिर में ही थी। साहब, आप हमारे बिना क्यों चली आई? अरे चंचल जी, आपने तो कहा था कि बिंदनी क्या कह रही है? ना थी ये वहां, मैंने उस मंदिर का कोना कोना देखा है, ये थी ना वठे। ताई साहब, आप तो परिक्रमा करते करते थक कर बैठ गए, पर हमारे को तो परिक्रमा पूरी करनी थी ना। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे को चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब हमारी आंख खुली तो मैं पुजारी जी के कमरे में थी। अरे बिंदली, तारी तबीयत तो ठीक है ना? चल चल बैठ। अरे मैं तो चंचल दीदी की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी, मने लगा कि तुम वाकई में रुक्मिणी मिलने चली गई हो। एक मिनट बिंदली, कमल जरा इसे पूछ कि इसने मारा फोन क्यों ना उठाया। और तो और, तूने भी तो फोन किया था, इसने थारा फोन भी ना लिया और उसके बाद फोन बंद क्यों कर दियो? पूछ इसने। हाँ मैंने भी तने फोन कियो थो, पर तूने अपना फोन का ही बंद कर दियो थो। मासा, फोन तो हमारे पास था ही ना, मैं बेहोश हो गई थी ना, तो लागे है किसी ने मारो फोन ले लियो हुए को। अब मारे को के मालूम कि कब ताईसा ने फोन किया हो या आपने। देखा चीची, मारी बिंदनी का फोन चोरी हो गयो, उस चोर ने मोबाइल बंद कर दिया होगा, तभी तो मैं सोचूं कि बिंदनी ने मारा फोन क्यों ना लियो। कमल ये रसाल झूठ बोल रही, मारे को कतई इसकी बात पर विश्वास ना है। क्या बोल रहे हो जीजी? मारी बिंदनी बेहोश होके गिर गई, उसका मोबाइल चोरी हो गयो,
काई झूठ बोलेगी बिंदनी? चीची आपको घर नहीं आना चाहिए था, थोड़ी देर वहीं रुक जाना चाहिए था। चीची आपने पूछो तो किसी से। आप सबको दादी साहब ने आरती वास्ते बुलाया। ठीक है बिंदनी, जब थारी तबीयत ठीक ना हुए तो थोड़ी देर कमरे में आराम कर ले। मामा साहब, मैं आरती जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, चल। बींदनी पर लगाम लगा, वरना ये उस रुक्मी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगी। रसा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ। क्या बात करनी है ठाकुर से? चलो बता दो। रणवीर, जब मैंने थारे को फोन किया था तब मारे को नहीं पता था कि बिंदनी ने। मुझे पता है मासा, इसलिए तो मैं इससे बात करना चाहता हूँ। बिंदनी, तूने रणवीर ने बता दिया कि तू बेहोश होके मंदिर में गिर गई थी? क्या तुम बेहोश हो गए थे? हाँ, मारे को पता ना था कि बिंदनी ने मारा फोन क्यों ना उठाया। जब बिंदनी बेहोश हो गई थी तब उसका फोन किसी ने चुरा लिया, और मारे को लगा कि बिंदनी जानबूझकर मारा फोन ना उठा रही है, इसलिए आवेश में आकर मैंने थारे को फोन कर दिया। अरे कमल, रसा भंडारे में चलो, आज रात को खानो नहीं बनानो है के? चल रसा, चलो चल। रुक्मी ने मुझसे कहा था कि माता की मूर्ति के नीचे फाइल है, अब रोज कोई ना कोई सफाई करता है मंदिर की, वहां फाइल कैसे हो सकती है? I'm sure वो मुझसे झूठ बोल रही होगी। यश के पास पकड़ी गई तो झूठ बोल दिया। दीप सिंह ने मारे को बंदी बना रखा था क्योंकि मैंने आपके पिता के हाथों बनाई वो फाइल हवेली में माता की मूर्ति के नीचे छिपा रखी। आप घर जाते ही उस फाइल को जरूर पढ़ना ठाकुर साहब, आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपके पिता की मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ। दीप सिंह को हाथ हमारे वास्ते ना सही, इस स्वर्गवासी पिता के वास्ते वो फाइल जरूर देखता ठाकुर साहब। Deep sink.